पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी। बता दें कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल और यूपी सरकार के मंत्री रहे हैं। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का अस्पताल में हुआ निधन। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता का हुआ निधन। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन हुआ। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर छवि यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छवि यादव जी, कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन हो गया है, क्या कुछ कहना? कि एक बहुत बड़े युग का जो है वो अंत ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सैयद सिप्ते रजी गवर्नर थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। कई बार, लगभग चार बार वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर वो झारखंड और आसाम के जो है वो गवर्नर बनाए गए। हालांकि कुछ उनका जो पॉलिटिकल, जब एज ए गवर्नर के तौर पर कुछ विवादास्पद भी कुछ थोड़ा सा रहा था, उस समय जब शिबू सोरेन की सरकार को बन विश्वास मत लेना था और उन्होंने एनडीए के सदस्यों की अनदेखी करके उनको शपथ दिला दी थी। बाद में एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उनके हस्तक्षेप के बाद जो है दोबारा से सरकार बनी थी वहां पर। तो कुल मिलाकर एक अच्छे सियासतदान थे, यहाँ लखनऊ में रहते थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, मिलनसार व्यक्ति थे, कोई भी व्यक्ति उनसे जाकर मिल सकता था। ट्रॉमा सेंटर में आज उनका निधन हुआ है। एडमिट थे कई एक दो दिन से, पिछले दो तीन दिन पहले उनको एडमिट कराया गया था। और निश्चित तौर पर ये एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति की, एक बड़े राजनीतिक कद का जो है आज समापन हुआ है। जिसको भी ये खबर पता चली उसने जो है दुख व्यक्त किया है, क्योंकि वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से उनका संबंध रहा, लेकिन उनके जो रिश्ते थे वो सभी राजनीतिक दलों में सुलभ थे, कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता था। और अगर वो किसी पब्लिक कार्यक्रम में जाते थे तो गवर्नर पद से हटने के बाद भी गवर्नर का प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको अनदेखी करके या उनको निग्लेक्ट करके अगर उनको पब्लिक डोमेन में जाना है तो भी बहुत आसानी से वो चले जाते थे, ये उनकी खासियत थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका छवि यादव जी तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन हो गया है।